अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये एरम ट्वाइस से खेल रहे हैं। अभी इनकी पढ़ाई का टाइम था, इन्होंने पढ़ा थोड़ा सा। इनका टेस्ट है, मैंने आपको बताया था ना इनके मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो बस कल मंडे है इनका टेस्ट हो रहे हैं, तो कल पेपर है, तो उसकी तैयारी कर रहे थे। एरम सलाम तो करें। अस्सलामुअलैकुम। अभी पढ़ाई कर रहे थे, अभी ये खेलने लगे। एरम ये बताएं, आपने अपना पढ़ लिया टेस्ट का जो मैंने याद करने को दिया था? जी मैंने कहा था, लेकिन मैं सोच रही हूँ नहीं दिलाऊं अभी आपको, अभी रुक जाए आप। अभी मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, फिर दिखाती हूँ। आजकल जो है ना बच्चों को ये पॉपिट का ना ज़रा शौक उठ गया। इनके स्कूल में भी सब बच्चे ला रहे हैं और वो कर रहे हैं, और तो ये इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए कि मैं अम्मी दिला दें। तो मैंने कहा पहले टेस्ट हो जाए इनके, मंथली टेस्ट। अब जब मंथली टेस्ट हो रहे हैं इस दौरान, फिर भी खेल में ना बच्चों का दिमाग लग जाता है, पढ़ाई से हट जाता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी इनके पापा से पूछ के फिर इन्हें दिलाते हैं या नहीं दिलाते। मैं तो मना ही कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़िद कर रहे हैं कि नहीं मैं अच्छा पढ़ूँगा। और वैसे भी अरम के ये टॉयज़ हैं, अरम को टॉयज़ दिलाओ ना। अरम बहुत जल्दी टॉयज़ तोड़ देते हैं। क्यों अरम, टॉयज़ जल्दी तोड़ते हैं ना आप? हाँ, इसलिए मैं इन्हें दिलाती हूँ ना। तो अभी इनकी बर्थडे भी गुजरी थी, उसमें दिलाए, तो बस इनसे कहती हूँ भाई खेलो और रख दो ये सब। मैं इनमें जो है थोड़े, मैं और हम लोग जब उम्रे पे गए थे वहाँ से भी मैं लाई थी। अरम भी गए थे उम्रे पे मेरे साथ माशाल्लाह से, तो हम लोग उम्रे पे भी गए थे, वहाँ से भी लाई थी गाड़ी और बहुत सी चीज़ें, तो इन्होंने वो भी तोड़ दी थी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड हज पे गए थे, फिर उस दौरान भी ला के दी थी। तो ये बस अरम जल्दी खिलौने तोड़ देते हैं, तो बस मुझे ये होता है कि अभी मैं कोई चीज़ दिलाऊँ और फिर इन्होंने तोड़ दी। तो बच्चे खेलते हैं तो खिलौने भी तोड़ते हैं, लेकिन बस जल्दी तोड़ देते हैं, कुछ इनकी आदत ऐसी है। और इंशाल्लाह मैं आपसे हज की और उम्रे की भी अपनी मेमोरी शेयर करूँगी आगे चल के। क्यों अरम, आप उम्रे पर गए थे ना, मज़ा आया था? हाँ, बहुत मज़ा आया था। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इंशाल्लाह उम्रे और हज की किस दिन मैं आपके साथ अपनी मेमोरी शेयर करूँगी। अब चलते हैं आगे। हाँ भाई अरम, अभी पापा से मैं बोलती हूँ, अगर वो जल्द राज़ी होते हैं तो फिर आपको पॉपिट दिला के लाते हैं। अब ये बताइए, आप व्यूअर से तो बात करें अपने। अच्छा, मैं अभी लाइक देते हैं तो लाइक करते, सब्सक्राइब करते, कमेंट करते। ये तो मैंने कहा था आपको दिखाऊंगी, मार्केट गई थी तो मेरे आज भाई की बेटी की सालगिरह है, तो उसके लिए मैंने टी शर्ट ली, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने कहा उसको नहीं दे दूँगी, देखिए कैसी है। और अरम का फाइनली प्रॉफिट आ गया है, अरम का प्रॉफिट भी ले लिया। अरम कैसा है भाई? बहुत अच्छा है। इस पे यूनिकॉर्न बना हुआ है, ये इस पे यूनिकॉर्न बना हुआ है, देखें। असल में मार्केट की मैं दिखाती पर मैंने ली नहीं, मैंने कहा घर आके आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। और ये मेरी बेटियों ने, वो अपनी कज़न को गिफ्ट दे रही है, क्लिप्स वगैरह है इसमें। तो अभी मैं भाई की बेटी का आज सालगिरह है ना, तो उसे देने जाऊँगी। तो मैं आई थी अपने अम्मी के घर पे, तो छोटा वाला भाई अम्मी के साथ होते हैं, तो उनके घर पे आए थे। उन्हीं की बेटी की सालगिरह थी ना, आज बर्थडे का दिन था, तो मैंने कहा उसको तोहफ़ा भी दे दूँगी, अम्मी से भी मिलूँगी, मुलाकात हो जाएगी, और थोड़ा सा उनके घर का भी आपको सेटअप दिखा दूँगी। तो बस यही चल रहा था, टाइम पता ही नहीं चलता, दिनों से इतनी जल्दी गुजरने लगे हैं अब, और बस यही होता रहता है। अरबी अरम को पढ़ाया था, अब मैंने कहा थोड़ी देर अपने भाई क्या चलते हैं, उसकी बेटी को गिफ्ट दे दूँ,